सामने भारत के गौरव, उत्थान एवं उन्नति का प्रमाण बन चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा ले आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हे गाइस, आप सभी लोग को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, विवेक ज्ञान व्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम गोरखपुर के कुछ ऐसे सीन दिखाने वाले हैं जो कि 750 ड्रोन एक साथ में उड़ाया जा रहा, रिकॉर्ड बन गया है। तो वहाँ पे लेजर लाइट शो भी होने वाला है, काफ़ी अच्छे अच्छे चित्र बनेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ बनेंगे। और मैं बता दूंगा इस आप सभी लोगों को, और आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं, तो 75वां दिवस भी मनाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया जा रहा है गोरखपुर में। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और हमारे वहाँ पे गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के और भोजपुरी के इंडस्ट्री में उन्होंने एक अलग ही अपना नाम बनाया है, और हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा भी आएंगे और बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे। तो मैं चलूँगा, सब कुछ दिखाऊँगा वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है, तो चलिए लाइट शो भी दिखाएंगे आप सभी लोगों को। तो गाइस, अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रोज़ाना एक वीडियो मैं लेके आता हूँ। अभी मुंबई के अंदर मैं टूर करा रहा होता, अभी गोरखपुर का टूर करा रहा हूँ, फिर मुंबई के अंदर का टूर कराऊँगा। तो वैसे आप सभी लोग सारा वीडियोज़ देखते रहिएगा, अपने प्यार सपोर्ट बनाए रहिएगा। पैसा नहीं है। आइए हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की अपनी इस भावना को वैश्विक मंच पर साझा और जिंदा करें। जय हिंद। और भारत माँ के माथे पर ऐसे अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है, अमृत रूपी है। आजादी के उपरांत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उभरना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अमर शहीदों की और लाखों भारतीयों के राष्ट्रवादी जज्बे का प्रतीक है। क्या देखा।
भारत के गौरव उत्थान एवं उन्नति का प्रमाण बन चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा ले आज भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर सारे जहां से स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वो कहता है जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आज एक ऐतिहासिक रात होगी, ये शाम जो आप लोग यहां से लेके जाएंगे बहुत कुछ पूंजी कमा के जाओगे। आज देखिए थोड़ा देर में क्या हुई, हम ऐसे महाराज जी के धन्यवाद कहा महाराज जी कि क्या शानदार तरीका से सोचला ये बलिदान दिवस, इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गोरखपुर की धरती पर जो आज मंजर होगा कुछ समय बाद, यह आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ कर जाएगा। आज इतना कुछ यहां से लेके जाओगे और समस्त भारत जो देख रहा है और देखेगा कुछ पल बाद, उत्तर प्रदेश देख रहा है, मेरी युवा पीढ़ी जो देख रही है देखेगी कुछ समय में, इस गोरखपुर के गोरखनाथ बाबा की धरती पर आज एक इतिहास होने जा रहा है। बहुत कुछ लेके जाइए बाबू, धन्यवाद महाराज जी, दिल से धन्यवाद। माननीय राज्य पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय जिला पंचायत श्री सीताराम जायसवाल जी, आइए 19 दिसंबर को जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज आकाश में भारत में निर्मित मेक इन इंडिया द्वारा 750 ड्रोन एक साथ संगीत लेजर लाइट तथा रंग बिरंगी कलाबाजियों के माध्यम से हमारे वीर बलिदानियों की स्मृति को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। भाई जो चाइना के तवांग में भाई लोग बढ़िया से कुटाई भाई, कुछ लोगन के नाल उकाला, अभी पाकिस्तानो बिल बिलावत है लोगन के बिलवाल से, लेकिन भूल गए कि ये माफी है, ये वो माफी है जहाँ अशफाक उल्ला रहते हैं, रोशन सिंह जी थे, यही पंडित बिस्मिल थे, अंग्रेज जो हमको लूटे थे उनको सबक सिखाया, पूर्वांचल के हीरो लोगों को दबा दिया गया। तो यही बलिदान दिवस की कुछ चित्रें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज पूज्य महाराज जी आज इतना एक ऐतिहासिक शो होगा। ताली बजा के बोलेंगे, अपनी स्वागत महाराज जी को दीजिए कि मेरी उत्तर